पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पोपो माओ और उसके दोस्तों को ट्रेजर हंटिंग के लिए एक गुफा की तरफ ले जाता है। गुफा के अंधेरे रास्ते में जाते हुए अचानक उनके सामने एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए उनके पास आने लगता है। इसे देख वे सभी काफी डर जाते हैं और वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। वे उस पत्थर से बचते तो है, पर तभी मधुमक्खियों का झुंड उन पर हमला कर देता है। वे उनसे भी बचकर भागने लगते हैं। जब उन्हें उनसे भी छुटकारा मिल जाता है, तब एक बड़ा सा पंखा चलने लगता है जिसकी हवा उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, पर किसी तरह वे उन सारी तकलीफों को झेल लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। सभी के सभी काफी थके हुए हैं। तभी थोड़ा और आगे जाने पर आखिरकार उनको उनकी मंजिल मिल ही जाती है। ये जगह हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। वे सभी इसे देख काफी अचंभित हो जाते हैं और आनंद पूर्वक इन्हें निहारने लगते हैं। फिर पोपो उन्हें यहाँ से कोई भी अपने मन की एक पसंदीदा चीज उठाने की इजाजत दे देता है। इसे सुन वे सभी काफी खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी पसंदीदा चीज उठाने लगते हैं। तभी पोपो उन्हें कहता है कि तुम सभी बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारा सामना यहाँ के मॉन्स्टर गार्ड से नहीं हुआ। पोपो उस मॉन्स्टर की भयंकरता की बात कर ही रहा होता है कि तभी हमें वो मॉन्स्टर उसके पीछे ही खड़ा दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही विशाल चूजा होता है। तभी बात करते हुए अचानक पोपो की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसे देख वे सभी काफी घबरा जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भागने लगते हैं। वह चूजा भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी दौड़ते हुए हानुका का पैर एक पत्थर में उलझ जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है। उसे देख माओ काफी घबरा जाता है। तभी वह बड़ा सा चूजा हानुका के पास आता है और उसे उठाकर अपने मुंह में डाल देता है। सभी इसे देख काफी डर जाते हैं कि अब क्या होगा। तभी हानुका उस चूजे के पीछे से अंडा बनकर बाहर निकलती है और उस पर ट्रैप हो जाती है। फिर वह चूजा बाकी के पेरेंट्स को भी निकल जाता है और वो भी अंडा बनकर बाहर निकलते हैं और मदद की गुहार लगाने लगते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता कि अब क्या करे। माओ बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो अपने मुंह से आग निकालते हुए उस चूजे पर हमला कर देता है। राय और कैरेन यह देख चौंक जाते हैं कि आखिर माओ ने बिना कॉस्ट्यूम के मैजिक को कैसे क्रिएट किया। तभी पोपो उन्हें बताता है कि यह एक ड्रीम वर्ल्ड है, यहाँ तुम वो सभी कुछ कर सकते हो जो नॉर्मल दुनिया में नहीं कर सकते। कैरेन और राय भी अपने मैजिक को क्रिएट करने लगते हैं और उस चूजे पर अपने पावर से हमला करने लगते हैं। वो बड़ा सा चूजा उनके हमलों को सहन नहीं कर पाता और बहुत सारे छोटे छोटे चूजों में बिखर कर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही पेरेंट्स के अंडे भी टूटने लगते हैं। वे सभी आजाद हो जाते हैं। उन्हें देख तीनों बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और दौड़ते हुए उनके पास जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कैरेन को वहाँ पर एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है। बाकी दोनों बच्चे इसे देख चौंक जाते हैं कि आखिर इसमें क्या होगा। लेकिन जब पोपो इसे देखता है तो वह काफी घबरा जाता है। इससे पहले कि वह इन्हें खोलने से रोकता, बच्चे इसे खोल देते हैं। इसके अंदर एक अजीब सा डार्क मैटर होता है जो कि बच्चों को अपनी ओर खींचने लगता है। तभी ऊपर से पोपो उन्हें कहता है कि लगता है तुम्हारे एडवेंचर का यही अंत हो गया, फिर से मिलने जरूर आना। तभी उधर नर्सरी में बच्चों की आंखें खुल जाती है। वे यह जान चौंक जाते हैं कि यह तो केवल एक सपना था। तभी राय चौंकते हुए उन्हें पुकारता है। उसे अपने पॉकेट में कुछ मिला है। यह वही चीज होती है जो ड्रीम वर्ल्ड में उसने उठाया था। फिर बाकी के दोनों बच्चे भी अपने अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं। उन्हें भी उनकी उठाई हुई चीज मिल जाती है। इसे देख वे काफी खुश होते हैं और उन्हें कुछ देख प्रिंसिपल और टीचर को काफी अच्छा लगता है। घर आकर माओ हानुका और शिन को अपने ड्रीम के बारे में बताता है। माओ काफी एक्साइटेड है। अगले दिन माओ दौड़ते हुए नर्सरी की तरफ जाने लगता है। उसे नर्सरी में अब काफी मजा आने लगा है। उसे देख हानुका को महसूस होता है कि माओ कितना बड़ा हो गया है। एक सुबह जब हानुका सो रही थी तो माओ उसे जगाता है। माओ को देख हानुका को उस पर काफी प्यार आता है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे माओ उसे मिला था। यह सब सोच वह खुश होकर माओ को एक किस करती है। माओ कहता है कि मामा आपने मुझे किस क्यों किया। इस पर हानुका उसे कहती है कि इंसान जिसे बहुत प्यार करता है वह उसे किस करता है। यह सुन माओ भी हानुका को किस कर देता है क्योंकि वह भी उसे बहुत प्यार करता है। उसके किस को पाकर हानुका काफी खुश हो जाती है। तभी सिन भी वहाँ पर आता है और रोते हुए कहता है कि मुझे भी माओ का किस चाहिए। उसे रोते देख माओ उसके पास आता है और सिन को भी एक किस कर देता है। किस पाकर सिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह पागलों की तरह नाचने लगता है। उसके डांस को देख हानुका और माओ उसे बस देखते ही रह जाते हैं। तभी माओ कहता है पर मामा और पापा एक दूसरे को किस क्यों नहीं करते। इसे सुन वे दोनों चौंक जाते हैं। तभी हानुका उसे कहती है कि ये इसलिए क्योंकि मामा तो पापा को प्यार करते हैं पर पापा मामा को प्यार नहीं करते। इस पर सिन काफी गुस्सा हो जाता है और माओ के सामने ऐसी बातें ना करने को कहता है। बाद में नर्सरी में माओ अपने फेवरेट खिलौनों को किस करने लगता है। टीचर यह सब देख रही होती है।
वह उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर माओ टीचर को भी किस कर देता है। फिर वह उन्हें कहता है कि हम उसे ही किस करते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। इसे सुन टीचर काफी खुश हो जाती है। तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं। जब उन्हें माओ के किस करने के बारे में पता चलता है तो वो भी चाहते हैं कि माओ उन्हें भी किस करे। इस पर टीचर उन्हें कहती है कि यह शायद मुश्किल है क्योंकि माओ आपको बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता। यह सुन प्रिंसिपल को काफी झटका लगता है, लेकिन वे किसी तरह भी माओ के किस को पाना चाहते हैं। उधर माओ कैरेन के पास जाता है और उसे भी किस करता है। फिर वह राय के पास जाता है और उसे भी किस कर देता है। फिर माओ पेपे को किस करने ही वाला होता है कि उसके मुंह से भयंकर बदबू आने लगती है। पेपे दौड़कर जाकर ब्रश करता है और फिर माओ के पास आता है। फिर माओ उसे भी किस कर देता है। सभी माओ के किस को पाकर काफी खुश है, पर प्रिंसिपल को जलन होने लगती है। उसे किसी भी हाल में माओ का किस तो चाहिए ही चाहिए। वे कई सारी तरकीबें आजमाते हैं ताकि माओ का ध्यान उन पर आ सके, पर माओ की नजर उन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अंत में वह हार मानते हुए सीधे माओ के पास आते हैं और रोते हुए माओ को एक किस मांगने लगते हैं। उन्हें देख माँ उनसे कहता है, मैंने अभी तक आपको किस नहीं किया। यह कहकर वो प्रिंसिपल को भी किस करने आगे बढ़ता है। प्रिंसिपल काफी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही माँ उन्हें किस करने ही वाला होता है तभी राय अपने खिलौने से माँ का मुख घुमा देता है और हंसने लगता है। प्रिंसिपल को राय का यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ फिर से उन्हें किस करने ही वाला होता है कि तभी कैरेन अपनी बिजली से प्रिंसिपल को जोरदार झटका दे देती है। वे दोनों ही प्रिंसिपल के पीछे पड़े हुए हैं। अंत में धराशायी होकर प्रिंसिपल सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत में माओ का किस नहीं लिखा है, पर तभी माओ उन्हें किस कर देता है। माओ का किस पाकर प्रिंसिपल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अगले दिन नर्सरी में कैरेन काफी गुस्सा है। उसके गुस्से को देख माओ काफी घबरा जाता है और रोने लगता है। इस पर टीचर कैरेन पर गुस्सा होते हुए कहती है कि उसे इस तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर कैरेन उनसे कहती है कि वह हाइड एंड सीक गेम में हार गई, इसलिए वह गुस्सा है। इसे सुन टीचर उसे डांटने लगती है और उसे माओ को सॉरी कहने को कहती है क्योंकि उसकी मैजिक से माओ को चोट लगी है, पर कैरेन माफी मांगने से इनकार कर देती है। इस पर टीचर उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, तो ठीक है, आज तुम्हें कोई भी स्नैक्स नहीं मिलेगा। इसे सुन कैरेन चौंक जाती है। टीचर कैरेन के छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने को लेकर काफी परेशान है। वह उसे राय का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि देखो राय को, वो कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं होता। तभी हमें राय का सीन दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिक हाउस बना रहा होता है, पर तभी पेपे से गलती से वह ब्रिक हाउस गिर जाता है। इस पर पेपे तो बहुत डर जाता है, पर राय उससे नाराज नहीं होता बल्कि कोई बात नहीं कहकर मुस्कुरा देता है। फिर टीचर कैरेन से कहती है कि तुम्हें भी रायचंद जैसा बनना होगा। अगर तुम रायचंद जैसा बन गई तो मैं तुमसे कभी भी स्नैक्स छीनने की बात नहीं करूंगी। इसे सुन कैरेन सोचती है कि गलती उसकी नहीं बल्कि राय की है क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करता और उसकी वजह से हमेशा मुझे डांट पड़ती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो माँ और पेपे के पास जाकर राय को गुस्सा दिलाने की बात करने लगती है, पर माँ और पेपे को यह समझ में नहीं आता कि वो आखिर राय को गुस्सा क्यों दिलाना चाहती है। यह पूछने पर वो कहती है कि बस यूं ही वो राय को गुस्से में देखना चाहती है। पेपे और माओ ने भी राय को कभी गुस्से में नहीं देखा था, इसलिए वे कैरेन की इस बात को मान लेते हैं। उन दोनों को अपने झांसे में आता देख कैरेन काफी खुश हो जाती है। फिर वे राय को गुस्सा दिलाने का प्लान बनाने लगते हैं। वे कई तरीके आजमाते हैं, पर राय को उनके किसी भी प्लान का कोई भी असर नहीं होता। उल्टे हर बार कैरेन ही उस प्लान का शिकार बन जाती है, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी लंच का टाइम हो जाता है। सभी को फूड काफी अच्छा लगता है, पर कैरेन का मूड अभी भी खराब है। वह गुस्से से राय को खुश होते हुए देखती रहती है। वह सोचती है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, अब मैं ही इसे गुस्सा दिलाऊंगी। यह सोचकर वह झट से राय के लंच में से एक फूड निकालकर खा देती है। यह देख राय चौंक जाता है। फिर वह घबराते हुए कैरेन से कहता है कि अगर तुम इसी तरह ज्यादा से ज्यादा खाना खाने लगी तो तुम एक दिन मोटी हो जाओगी। यह सुन कैरेन चौंक जाती है और खुद को एक फैट गर्ल के रूप में सोचने लगती है। तभी टीचर कैरेन की इस हरकत के लिए उसे डांट देती है और 3 दिन के लिए उसका स्नैक्स बैन कर देती है। इसे सुन कैरेन काफी मायूस हो जाती है। तभी प्रिंसिपल कैरेन को समझाते हैं कि अगर तुम दूसरों के साथ बुरा करते हो तो तुम्हारे साथ भी बुरा होता है। यह सुन कैरेन को अपने किए का पछतावा होने लगता है और वह रोने लगती है। कैरेन को रोते देख राय और माँ उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं कि कैरेन का गुस्सा होना और चिल्लाना हमें काफी अच्छा लगता है। यह सुन कैरेन शांत हो जाती है और वह उन तीनों से माफी मांगने लगती है, जिसे वे तीनों पूरे हृदय से स्वीकारते हैं। इनकी इस स्ट्रांग फ्रेंडशिप को देख
प्रिंसिपल और टीचर काफी खुश होते हैं और वे हमेशा ऐसे ही रहे इसकी दुआ करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन चाय थोड़ी ठंडी हो जाने पर कैरेन फिर से चिल्लाने लगती है और गुस्से से अपने पावर से प्रिंसिपल को फ्रीज कर देती है। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि कैरेन में अभी भी कुछ भी नहीं बदला है। अगले दिन हनुका और माओ को पता चलता है कि कल नर्सरी में डेविल वर्ल्ड से पिक्चर ड्रामा परफॉर्मर आने वाले हैं। वो परफॉर्मर डेविल वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। इसे सुन हनुका और माओ काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अगला सीन हमें उस पिक्चर ड्रामा परफॉर्मर का दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल के सामने बड़ी ही शालीनता से पेश आता है। वे उसका वहाँ पर स्वागत करते हैं और टीचर बच्चों को बुलाने लगती है। बच्चे उसे देख काफी खुश होते हैं और वह इंसान भी बच्चों के सामने खुश होने का नाटक करता है, पर अंदर ही अंदर वह एक भयानक हंसी हंसने लगता है। फिर वह बच्चों को पिक्चर स्टोरी सुनाने लगता है। उसका स्टोरी बताने का तरीका बच्चों के साथ साथ टीचर को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी वह कहानी बीच में ही रोक देता है। बच्चे उसे आगे का भी भाग बताने को कहते हैं, पर वह इसे बताने से इनकार कर देता है। उसे बच्चों को इस तरह से असमंजस में देखना काफी अच्छा लगता है और वह उनके चेहरे को देख हंसने लगता है। बच्चे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर उसे तो बच्चों के ट्रबल फेस को देख काफी मजा आ रहा होता है। तभी वह बच्चों के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि अगर वे उसे हंसा सके तो वह उनको बाकी की कहानी भी सुनाएगा। उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर माओ प्रिंसिपल के सिर वाला कॉस्ट्यूम लगाकर उसे हंसाने की कोशिश करता है, पर उस इंसान को उस पर हंसी नहीं आती, उल्टे वह माओ का ही मजाक बना देता है। इसे सुन माओ को काफी बुरा लगता है और वह रोने लगता है। माओ को रोते देख कैरेन काफी गुस्सा हो जाती है और उस पर अपनी शक्तियों से अटैक कर देती है, पर वह इंसान उसके अटैक को आसानी से डिफेंड कर देता है और कहता है कि उसकी शक्तियाँ उस पर कोई काम नहीं करने वाली। बच्चे यह देख काफी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करे। तभी पेपे उनके पास आता है। पेपे को वहाँ देख वह इंसान काफी डर जाता है। बच्चों को यह पता चल जाता है कि यह इंसान जानवरों से डरता है। राइस का फायदा उठाता है और वह पेपे को उस इंसान पर छोड़ देता है। उधर वह इंसान डर के मारे काफी बेबस हो जाता है और कहता है कि तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा, बस इसे यहाँ से हटा दो। राय कहानी पूरी करने की बात कहता है, जिसे डर के मारे वह आदमी स्वीकार कर लेता है और उन्हें बाकी की कहानी भी सुनाने लगता है। बच्चों को कहानी काफी अच्छी लगती है, लेकिन केवल एक कहानी से उनका मन नहीं भरता। वे ऐसी और भी कहानी सुनना चाहते हैं, पर वह आदमी और कहानी सुनाने से मना कर देता है। इस पर राय भयानक हंसी हंसते हुए फिर से पेपे को उसके ऊपर छोड़ देता है, जिस पर हार मानकर उस इंसान को और भी कहानियां सुनानी पड़ जाती है। शाम को जब हनुका माओ को लेने आती है तो वह उस इंसान की तारीफें सुनकर वह भी उससे कहानी सुनने की इच्छा जाहिर करती है, पर प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि वह तो जा चुका है। हनुका कहती है कि क्या वह डेविल वर्ल्ड वापस जा चुका है। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, वह डेविल वर्ल्ड में नहीं बल्कि बाकी के चिबीटीबी किंडरगार्टन में बच्चों को कहानी सुनाने के लिए गए हैं। हनुका यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि हमारे दुनिया में ऐसे और भी ज्यादा चिबीटीबी किंडरगार्टन है। फिर वह हैरान होते हुए माओ की तरफ देखती है और कहती है तो माओ के अलावे यहाँ और भी कई ज्यादा डेविल बेबीज मौजूद है। माओ इसे सुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।